चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज 22 अगस्त 2017 में कमोडिटी मार्केट के एनालिसिस देखेंगे और लेवल एनालिसिस करेंगे, किस लेवल पे क्या बाई या सेल निकल के आया है। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी लेवल या इक्विटी या कमोडिटी को खरीदने और बेचने के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं। ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से ये वीडियो डेवलप किया जा रहा है। आज हम देखेंगे कि सिल्वर का जो बाई लेवल निकल के आया है या सेल लेवल, वो किस बेसिस पे और क्या टारगेट के लिए आप बाई या सेल कर सकते हैं। तो जो 39,129 के भाव पे आप बाई कर सकते हैं, टारगेट होगा 39,286, और 39,286 के ऊपर अगर 39,294 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 39,443 और 39,476 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, और 39,493 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 39,758 और 39,860 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आपने इस लेवल एनालिसिस के बेसिस पे देखा बाई साइड में कि सपोज इस लेवल को सस्टेन करता है, आप जो कर्सर देख रहे हैं यहाँ से अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, और इस वाले टारगेट के ऊपर अगर ये सेकेंड साइकिल के इस टारगेट वन को मीट कर जाता है तो आप टारगेट थर्ड या टारगेट टू के लिए होल्ड कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी चला जाता है 39,493 इस थर्ड साइकिल का टारगेट वन को अचीव कर जाता है तो उसके ऊपर आप टारगेट टू और टारगेट थ्री के लिए प्ले कर सकते हैं। सेम थिंग सेल साइड में आप इनिशिएट कर सकते हैं। सेल साइड में जो लेवल निकल गया है टारगेट वन जो है 39,064 के नीचे सस्टेन करता है तो सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 38,947 के नीचे सस्टेन कर जाता है और 39,890 के नीचे सस्टेन करता है तो आप टारगेट 38,700 के लेवल को सस्टेन करता है तो 38,342 का टारगेट के लिए आप सिल्वर को सेल कर सकते हैं। तो ये रहा आज का सिल्वर और का बाई और सेल लेवल। अब हम देखते हैं सेकेंड कमोडिटी क्रूड ऑयल। ये हमारा सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, इसके हेल्प के थ्रू हम एक लेवल एनालिसिस करके और गैन टाइम एनालिसिस के थ्रू हम ये लेवल डेली का लेवल निकालते हैं, और ये बिल्कुल एक्यूरेट कि जिस साइकिल में मूव करता है उस साइकिल के टारगेट को अचीव करता है। आप देखते होंगे प्रीवियस वीडियो को भी, आप देख सकते हैं हमारे 99% एक्यूरेसी के साथ ये सॉफ्टवेयर हमारा काम कर रहा है, और इस सॉफ्टवेयर को हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर हों और हमारे हमें कॉन्टैक्ट करें, और हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड की जाएगी 1 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ। उसके बाद चार्जेज बेसिस पे हम आप लोगों को शेयर करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सिल्वर क्रूड का जो लेवल निकल के आया है बाई लेवल 3076 के ऊपर सस्टेन करता है तो 3120, और 3120 और 3122 के ऊपर सस्टेन करता है तो 3174, और 3178 के ऊपर सस्टेन करता है तो 3254 और 3282 के टारगेट के लिए आप क्रूड को बाई कर सकते हैं। सेम थिंग है सेल साइड में 3039 के नीचे सस्टेन करता है तो 3021, 3014, 3011 के नीचे अगर और चला जाता है तो 2970 और 2960 का टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो इंट्राडे टारगेट के बेसिस पे साइकिल वन साइकिल टू आने का चांसेस रहता है। साइकिल थ्री जो होता है 1 वीक का टारगेट के एनालिसिस के पर्पज से, मतलब 2957 टूटेगा तो 2858 तक जाने का चांसेज है इस हफ्ते के लिए। तो ये रहा हमारा क्रूड और सिल्वर का लेवल एनालिसिस। तो आज आपको हमने दो चीज़ों का एनालिसिस किया। अगर इससे ज़्यादा आपको किसी कमोडिटी या इक्विटी से क्यूरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।